अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ान अरशद अंसारी है। आप लोगों की खिदमत में डेयरी सॉल्यूशन की तरफ से आज आपको मोबाइल वीपिंग मशीन का एक शॉर्ट सा ट्रायल देंगे, एक डेमोस्ट्रेशन देंगे, जिसमें आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं रोज़मर्रा रूटीन के, वो उनका आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, ये एक मोबाइल वीपिंग मशीन है। सिंगल बकेट, डबल क्लस्टर, 240cc क्लस्टर्स लगे हैं। क्लस्टर चूँकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मिल्किंग मशीन की, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। इस क्लस्टर, इन चीज़ों के मजमूए को क्लस्टर कहा जाता है। इसमें नंबर वन, ये स्टील के शेल शामिल हैं, ये इसका लाइनर शामिल है, शॉर्ट पल्स ट्यूब शामिल हैं, ये इसका शॉर्ट ऑफ वॉल है जहाँ से वैक्यूम को ऑन और ऑफ़ किया जाता है। और क्लस्टर के बाद बात करते हैं इस बकेट की। दोनों क्लस्टर्स इस बाल्टी के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि 40 लीटर कैपेसिटी रखती है अपने आप में। दो न्यूमेटिक पल्सेटर्स इसके ऊपर मशीन पे लगे हुए हैं, जो कि पल्सेशन जनरेट करते हैं, और दो चैनल्स के साथ होती हुई आगे वो चारों क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पल्सेटर्स के बाद इस पंप की बात करेंगे, वैक्यूम पंप की, जो कि एक मोटर के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। ऑयल बेस्ड वैक्यूम पंप है, ऑयल से लुब्रिकेशन की जाती है इसकी, और इसको प्रेशर मेंटेनेंस के लिए इसके साथ एक वैक्यूम गेज दी गई है। वैक्यूम गेज के ऊपर बाकायदा तौर पे एक लाल रंग का आपको निशान नज़र आ रहा है, जो इस बात की अलामत करता है कि प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ये सेट पॉइंट लेवल है इसका। प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए मशीन के बैक साइड पे एग्जॉस्ट के बिल्कुल नीचे एक वैक्यूम रेगुलेटर दिया गया, जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इस मशीन की ऑयलिंग। अमूमन हमें इंक्वायरीज फील्ड से मिलती हैं कि मशीन ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही है और ऑयल की कंजम्पशन कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ये बेसिकली ऑयलर है जिसने मशीन की ऑयलिंग करनी होती है। इसके दो हिस्से हैं। नंबर वन, इसका ये इसके ऊपर जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं मेरे हाथ में राइट साइड पर, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है और ये ऑयल का कंटेनर है। आपने क्या करना है, आपने इस ऑयल के कंटेनर को ऑयल से फिल करना है। आपने इस चीज़ की पहले श्योरिटी ले लेनी है कि ये जो गैस्केट है जो इसको लॉक करेगी वो इसमें प्रेजेंट है। अगर ये गैस्केट किसी वजह से लीक हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी मशीन ऑयल ज़्यादा खाना शुरू कर देगी। तो इस गैस्केट को बंद करने के बाद ये जो आपको ब्रास की नोज़ल नज़र आ रही है, बेसिकली ये एक एडजस्टमेंट नोज़ल है जो कि ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। तो अगर तो आपको लगता है कि आपकी मशीन ऑयल ज़्यादा ले रही है, तो आपको इस तरह देखना है कि आपने एक स्केल लेके इस ऑयलर के ऊपर रख देना है, और आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपके ये किनारा, एक ये साइड और इसका ये सेंटर का नोजल, ये तीनों एक लेवल पर आ जाएं, इस स्केल के साथ टकराने चाहिए, तो ये आइडियल कंडीशन में उस वक्त ऑयल कंज्यूम करेगा। एक ये चीज़ है ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और सेकंड इसकी गैस्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सवाल जो हमें अमूमन सुनने में आता है कि मशीन का प्रेशर जो है वो पूरा नहीं हो रहा, मशीन प्रेशर ऊपर नीचे कर रही है, तो प्रेशर की एडजस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, इसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी क्लस्टर्स हैं उनके शट ऑफ वाल्व क्लोज पोजीशन में हैं। आपने इनको क्लोज कर लेना है ताकि किसी भी किस्म की एयर मशीन के अंदर ना जाए। एक दफ़ा ये आपने वाल्व क्लोज कर दी है तो मशीन क्या करेगी, अपना प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देगी। उसके बाद ये वैक्यूम गेज है, और पीछे एक आप इस तरफ देखें अगर तो एक वैक्यूम रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम वैक्यूम के प्रेशर को लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपकी मशीन वैक्यूम कम बना रही है और ये गेज आपको मैक्सिमम 35 या 40 kPa का प्रेशर शो करवा रही है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने शट ऑफ वाल्व मशीन के बंद कर देने हैं। इस चीज़ का पूरी आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि कहीं से लीकेज नहीं हो रही, और उसके बाद आपने वैक्यूम रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाना है, जिस तरह घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, लेकिन जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे रेगुलेटर को तो प्रेशर कम होगा। तो आपने एक नज़र अपनी गेज पे रखनी है, और पिछले रेगुलेटर से आपने उसको ऐसा ऐसा मूव करके इसको देखते रहना, और जैसे ही प्रेशर अपने रिक्वायर्ड लेवल पे आ जाए आपने उसको वहाँ पे रेगुलेटर को लॉक कर देना है। तो ये प्रोसीजर एक शॉर्ट सा है वैक्यूम के एडजस्टमेंट के लिए। सेकेंडली, अगर कोई लीकेज नहीं है और उसके बाद भी मशीन अपना प्रेशर पूरा नहीं कर रही, तो आपको सबसे पहले उस मशीन को जो सप्लाई वोल्टेज है वो चेक करने चाहिए, आया कि वो उसकी रिक्वायर्ड रेंज के अंदर हैं या नहीं है। अगर वो रेंज से ऊपर या नीचे हैं तो डेफिनेटली वैक्यूम पंप की जो मोटर है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कुछ अहम अहम सी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी आपके छोटे मोटे मसाइल को, रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने के लिए। थैंक यू सो मच।